मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में आपको जो पूर्व की कक्षा में हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का औचित्य पढ़ा था और हमने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी या यह समझने की कोशिश की थी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को यदि संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में रखा है तो इसके पीछे उनका क्या सोचना था, उनके पीछे क्या औचित्य था। और उसको पढ़ते हुए, उसको समझते हुए हमने देखा कि इन शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति न तो तानाशाह हो सकता है, न ही इससे व्यक्तियों की या नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वरन राष्ट्रपति को जो ये संविधान द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ देने का प्रावधान रखे गए हैं, यह वास्तव में राष्ट्र की और नागरिकों की सुरक्षा को ही मजबूत करने की दृष्टि से रखे गए हुए हैं कि यदि अनावश्यक आपात की और संकट की स्थिति राष्ट्र में पैदा हो जाती है तो राष्ट्रपति की इन शक्तियों के द्वारा कैसे उस संकट से निपटा जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी यह कोट किया था कि कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, जो कि संविधान सभा के एक मेंबर थे, उन्होंने इनको एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करने की बात कही है कि ये अच्छे नहीं हैं, ये बुराई है, परंतु आवश्यक बुराई के रूप में हमको इसको हमारे संविधान में लेना पड़ा, रखना पड़ा। अब आते हैं बच्चों हम कि आपातकालीन प्रावधानों की जो निरंतर दुरुपयोग की या जो विवादित आपातकालीन प्रावधान रहा है वो सर्वाधिक 356 का जो आर्टिकल है जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, यह प्रावधान सर्वाधिक विवादित रहा है भारतीय राजनीति में। तो आज उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी कि 356 का जो दुरुपयोग होता रहता है, अधिकतर राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है उसको रोकने के लिए या उसका समुचित उपयोग करने के लिए, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का प्रावधान संविधान में किया था और राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया था कि यदि राज्यों में सरकारें संवैधानिक रूप से नहीं चला पा रही है शासन, तो उनको अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जिससे कि वहाँ पर संविधान अनुसार शासन चलाना संभव हो सके या संविधान के नियमों के तहत वहाँ पर शासन संचालन संभव हो सके। तो बच्चों, 44वें संशोधन द्वारा 352 के दुरुपयोग की संभावनाओं को तो लगभग समाप्त कर दिया गया था, परंतु 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो सरकार या आयोग है उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनको अब हम देख लेते हैं कि कौन से वो उपाय किए जाए जिससे कि राष्ट्रपति अपने इस प्रावधान का केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर दुरुपयोग न कर पाए। तो सरकार या आयोग द्वारा इस 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी सुझाव दिए गए वो इस प्रकार से हैं। बच्चों, ध्यान से सुने कि क्या क्या किया जाए जिससे कि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। तो पहला सुझाव सरकारी आयोग ने यह दिया
कि इसका प्रयोग 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, यानी जब राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध ना हो तब अंतिम उपाय के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। गाहे बगाहे केवल राज्य की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए या उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग न किया जाए। दूसरा सुझाव जो सरकार या आयोग ने दिया वो यह था बच्चों कि राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जाए पूर्व में, इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा लगाने से पूर्व में राज्य सरकारों को एक चेतावनी दी जाए पूर्व में कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और अब यदि वह संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा सुझाव जो सरकार या आयोग ने दिया वह यह दिया कि जो राज्यपाल की रिपोर्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा जो भेजी जाती है उसको संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए और उस रिपोर्ट में जो भी वास्तविक तथ्य हैं और जो भी आधार बताए गए हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के वो स्पष्ट हो और उनका संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई है। यानी कुल मिलाकर सरकार या आयोग द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनका संक्षेप में मैं बताऊं बच्चों तो यह था, एक तो यह अंतिम विकल्प के रूप में काम में लिया जाए, दूसरा राज्य सरकारों को पूर्व में एक चेतावनी दी जाए कि वह संविधान के अनुसार शासन नहीं चला पा रही हैं, और तीसरा कि यदि राज्यपाल द्वारा इसको राष्ट्रपति शासन लगाने की जो सिफारिश की जाती है उसका स्पष्ट संक्षिप्त विवरण जो भेजा जाता है वो संसद के दोनों सदनों में रखा जाए और स्पष्ट रूप से सामने आए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र उपाय है। इसके साथ ही बच्चों इस अनुच्छेद के संदर्भ में 356 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ के निर्णय में 11 मार्च 1994 को भी जो निर्णय दिया था उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि इसके द्वारा भी इस अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था हम देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो ये निर्णय दिया गया था उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिए जबकि कोई और इलाज न बचे और हालात असाध्य हो जाए या राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलना असंभव हो जाए। दूसरी बात इस निर्णय में यह कही गई थी कि जो राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति का निर्णय है उसकी न्यायिक पुनरीक्षा भी की जाए, यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जाए और यह देखा जाए कि निर्णय सचमुच किसी आधार पर आधारित था, राज्यसभा का राज्य की विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन न किया जाए। यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का जो निर्णय किया गया है पहले तो उसका पुनरावलोकन पुनरीक्षा की जाए कि जो निर्णय की सिफारिश की गई है वो वास्तव में उसका आधार ठोस है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना ही एकमात्र उपाय है। साथ ही इस उद्घोषणा के बाद भी राष्ट्रपति शासन तब तक न लगाया जाए जब तक कि दोनों सदन, संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन न कर दे। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर यह भी कहा
यह निर्णय देते हुए यह भी कहा कि यदि विधानसभा भंग कर दी गई हो और सरकार भी बर्खास्त कर दी गई हो तो बाद में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अवैध घोषित किया जाए तो न्यायालय विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है और बर्खास्त की हुई सरकार को भी बहाल कर सकता है। निर्णय में आगे यह भी कहा गया बच्चों कि मंत्री परिषद को सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय सदन में किया जाए और राज्यपाल हो या राष्ट्रपति किसी के व्यक्तिगत और निजी मत के आधार पर इसका निर्णय नहीं किया जाए। यानी मंत्री परिषद सदन में बहुमत हो चुका है या अभी भी उसको सदन का बहुमत का समर्थन प्राप्त है, इसका निर्णय पूरी तरह से सदन में ही किया जाए। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों में भी हमने देखा कि 356 के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के उपाय आप एक तरह से इस निर्णय में देख सकते हैं। साथ ही बच्चों हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के यदि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग रोकना है तो इसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यकता है वह है सशक्त विरोधी दल और जनता की जागरूकता। यदि सशक्त विरोधी दल होगा और जनता जागरूक होगी तो यह संभव ही नहीं है कि राष्ट्रपति अपने इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो राष्ट्रपति के इस अनुच्छेद का केंद्रीय सरकार दुरुपयोग करने का दुस्साहस करे। तो बच्चों इस प्रकार से इस कक्षा में हमने समझा कि राष्ट्रपति के जो आपातकालीन प्रावधान हैं उसमें जो सर्वाधिक विवादित अनुच्छेद 356 है उसको दुरुपयोग को कैसा रोका जाए, उसके दुरुपयोग को कैसे कम किया जाए, इसके लिए सरकारी आयोग और उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिए उसके बारे में हमने चर्चा की, उसको समझा। और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को केवल और केवल संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर ही सिफारिश की जाए। तो थैंक यू बच्चों, अब अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति उपरोक्त सभी जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है उसके आधार पर राष्ट्रपति की भारतीय राजनीति में भारतीय शासन में क्या वास्तविक स्थिति बनती है, उसकी क्या भूमिका रहती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।